हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। टुडे आई विल शो यू हाउ टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज जे फ्रेम यूजिंग जे बटन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं फाइल के अंदर और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ से मैं लिया जावा, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट कर दिया और मुझे मेन क्लास नहीं बनाना है, तो इसको मैंने अनटिक कर दिया। बना भी सकते हैं, ठीक है, इसको मुझे नहीं बनाना है तो मैंने इसको अनटिक कर दिया। इसका कुछ नाम दे सकते हैं या फिर जो डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है वही मैं रख देता हूँ। फिनिश कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं जावा एप्लीकेशन 4। अब यहाँ पे सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करके मैं एक जे फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, इसका कुछ नाम दे दिया मैंने, टेस्ट 1। फिनिश कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीन बटन्स ले लेता हूँ। तो पैलेट विंडो के अंदर जाके मुझे लेना है तीन स्विंग कंट्रोल्स, तीन बटन्स लेना है। तो मैंने यहाँ पे तीन बटन्स को सेलेक्ट किया, पहले बटन पे मैंने लिखा मिनिमाइज। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और पहले बटन की प्रॉपर्टीज में मैंने लिख दिया मिनिमाइज। दूसरे बटन को मैंने सेलेक्ट किया और इस पे मैंने लिखा मैक्सिमाइज्ड। और तीसरे बटन को मैंने सेलेक्ट किया और इस पे लिख दिया क्लोज। ठीक है, तो हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, हमारे पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन होता है, बट प्रोग्रामेटिकली अगर हमें कभी मिनिमाइज करना हो, क्लोज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमाइज बटन का कोड देखते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया, अब मिनिमाइज करते हैं। जैसे ये मिनिमाइज का बटन है, इस पे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि यहाँ पे ये आइकॉन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। विंडो जो होती है आइकॉन के फॉर्म में आ जाती है, तो वही करना है। तो आप क्या लिखोगे, सेट स्टेट, सेट स्टेट लिखना है, स्टेट का एस कैपिटल रहेगा। और यहाँ पे आप लिखोगे आइकोनिफाइड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, आइकोनिफाइड पूरा कैपिटल में रहेगा, तो इससे ये आइकॉन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस पे तो इतना ही कोड करना है मिनिमाइज पे। मैक्सिमाइज, अब मैक्सिमाइज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज में क्या होता है कि जैसे इस पे क्लिक किया तो कभी कभी जैसे हमारा विंडो जो है हमने कुछ छोटा कर दिया इसको थोड़ा, ठीक है। तो इसकी दो स्टेट होती है, एक तो नॉर्मल होता है और एक पूरा मैक्सिमाइज होता है, ठीक है, नॉर्मल और मैक्सिमाइज। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल है या मैक्सिमाइज्ड है ऑलरेडी। अगर नॉर्मल है तो मैक्सिमाइज कर दो। और मैक्सिमाइज भी देखो दो तरीके से होता है, ये तीन तरीके से बोल सकते हैं। देखो ये अभी इसका विड्थ तो पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है, बट हाइट फुल स्क्रीन नहीं है। या फिर हम इसका हाइट फुल स्क्रीन कर दें और विड्थ को कम कर दें, ठीक है, या दोनों को मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा गेट एक्सटेंडेड स्टेट, गेट एक्सटेंडेड स्टेट, और इसको कंपेयर किया मैंने नॉर्मल से। मैंने देखा अगर ये नॉर्मल के इक्वल है तो इसको मैक्सिमाइज कर दो। तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो मैं इसका जो एक्सटेंडेड स्टेट है उसको मैक्सिमाइज कर दूंगा। तो मैंने लिखा सेट एक्सटेंडेड स्टेट और यहाँ पे मैंने लिखा मैक्सिमाइज्ड। अब देखो ये मैक्सिमाइज्ड तीन तरीके से बता रहा है, हॉरिजॉन्टली मैक्सिमाइज करना है या वर्टिकली या दोनों, बोथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों। तो मैंने बोथ कर दिया। एल्स,
अगर इफ की कंडीशन गलत होती है, मतलब अगर ये नॉर्मल स्टेट में नहीं है तो इसको नॉर्मल कर दो, सेट एक्सटेंडेड स्टेट। और यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब शुरू में जो विंडो जिस साइज की आप ओपन करते हो वो आपका नॉर्मल विंडो है। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इस पे मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो ये आइकॉन के फॉर्म में आ गया, तो ये इसका नॉर्मल साइज आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो कोडिंग में होता है, हम साइज सेट भी कर सकते हैं कि कितने साइज का विंडो ओपन हो, लेकिन ये नॉर्मली इतने साइज का आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। सेंटर में कैसे करना है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको केवल मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैक्सिमाइज पे अगर क्लिक किया तो ये पूरा फुल स्क्रीन का आ गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से मैक्सिमाइज हो गया। अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, तो अब ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब क्लोज पे हम चाहते हैं विंडो क्लोज हो जाए, तो ये तो हमने वैसे देखा है, विंडो क्लोज करने वाला कोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। फिर भी एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते हैं, डिस्पोज, ठीक है। डिस्पोज फंक्शन का आप यूज़ कर लोगे ताकि विंडो जो है क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये मिनिमाइज हो गया, और यहाँ से मैक्सिमाइज्ड या फिर नॉर्मल, और यहाँ से क्लोज। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।